नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, 31 जुलाई निकल गई है और टैक्स भरने की जो आखिरी तारीख थी, अब जो टैक्स भरे जा रहे हैं उसमें आपको कुछ जो है अमाउंट पेनल्टी के रूप में देकर आप भर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जिन्होंने टैक्स भर दिया है ITR, उनको चेक करना है स्टेटस कि उनके रिफ़ंड का क्या स्टेटस है और उनको जो रिफ़ंड आने वाला है, जो प्रोसेस ITR में होती है वो कहां तक पहुंची है और क्या उसका लेटेस्ट कंडीशन है। उसके लिए आपको करना क्या है, ई पोर्टल इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आकर जो है आप अपने रजिस्टर्ड जो ID होती है उससे आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद जो है ये जो है दोस्तों लॉगिन हो गया है और लॉगिन करने के बाद हम आपको जो है लेकर चलते हैं मेन डैशबोर्ड पर। और मेन डैशबोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे ये जो आपको व्यू ITR स्टेटस दिख रहा है, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या आप ई फाइल पर जाने के बाद, इनकम टैक्स पर जाने के बाद यहाँ पर व्यू फाइल्ड रिटर्न्स देख सकते हैं। तो हम यहाँ चल के इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल गया होगा, प्लीज़ नोट दैट रिफंड विल बी क्रेडिटेड ओनली टू द पैन लिंक बैंक अकाउंट। जिस आपका पैन जिस अकाउंट से लिंक्ड होगा दोस्तों, वहीं पर ये रिफ़ंड भेजते हैं। ये देखिए 7 फाइलिंग स्टिल डेट, ये आप जो देख रहे हैं असेसमेंट जो ईयर था 24-25, उसमें हमने ये जो ITR भरा है 23-24 का, इसकी डिटेल आपको दिख रही हो, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इन्होंने यहाँ दिखा दिया है प्रोसेस्ड विथ रिफंड ड्यू July 17, ये पूरा एक ही दिन में इन्होंने प्रोसेस कर दिया था। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ व्यू डिटेल्स पर। व्यू डिटेल्स पर आने के बाद दोस्तों हमें यहाँ क्लिक करना है रिफंड स्टेटस पर। जैसे ही आप रिफंड स्टेटस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये असेसमेंट ईयर, यहाँ सेलेक्ट करना है और हम सेलेक्ट कर लेते हैं 24-25। जैसे ही हम यहाँ प्रोसेस करेंगे, सबमिट करेंगे, ये देखिए दोस्तों इसने हमें बता दिया है कि ये पैन कार्ड नंबर है इसका, ये प्रोसेस कर दिया गया है, ये जो बैंक अकाउंट है 30 तारीख को भेज दिया गया है। ये बैंक अकाउंट के आखिरी के नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर, 30 तारीख को इन्होंने जो है आपके रिफ़ंड को, इनकम टैक्स का जो रिफ़ंड था वो यहाँ पर सेंड कर दिया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 17 जुलाई को ये रिफ़ंड भरा गया था, ये ITR फिल किया गया था 17 जुलाई को, तो लगभग महज 13 दिनों के अंदर ये जो है ITR का रिफ़ंड आ गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस पर एक्सेस करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करनी होती है, इसीलिए ये जो 12-13 दिन लगे ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और भी ये ऐसा बना रहे हैं कि इसको बहुत जल्द से जल्द 4-5 दिनों के अंदर इसका रिफ़ंड भेजना शुरू कर दें। तो आप इस तरीके से जो है दोस्तों चेक कर सकते हैं, और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपको डैशबोर्ड पर ही ये डेटा देखने के लिए मिल जाता है। ITR का जो डेटा है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं, और आपको यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर लिखा आ रहा है, ये जो रिफ़ंड का अमाउंट है ये यहाँ पर दिख रहा है आपको। इस तरीके से आप जो है अपने रिफ़ंड्स को देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपने जो ITR भरा है, जो भी ITR नंबर है 1 से लेके जो भी 6 तक होते हैं उनमें जो भी आपने भरा है उसको आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। यही एक मात्र ऑथोराइज तरीका है इसको चेक करने का। तो दोस्तों, अपने दोस्तों को बताइए, परिवार में सभी को बताइए, जो भी ITR के दायरे में आते हैं, जिन्होंने ITR भरा है उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, क्या समझ नहीं आया, ये भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो भी जो है उसके ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।